एवरीवन, सो मैं रेडी हुई हूँ। जो आज मैंने कपड़े मंगाए अर्बेनिक से, तो मैं रेडी हुई हूँ उनको पहन के। तो मैं जाने वाली हूँ मार्केट, और मैं रोज़ मार्केट जाती रहती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को है नहीं मेरे पास। तो मैं थोड़ा बहुत सामान लेने वाली हूँ, तो वो जो भी मैं शॉपिंग करूँगी वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो ज़रूर बताना, तो मैं अपना और अच्छा बेटर वीडियोस बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं मार्केट। एवरीवन, सो हम आ चुके हैं मार्केट। और एवरीवन, सो हमारा मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, कस्बा टाइप ही है, क्योंकि मैं हरिद्वार के पास ही रहती हूँ, लक्सर में। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अपनी सर्दियों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, एंड मैं ज़्यादा कुछ वेस्ट नहीं करती सर्दियों के कपड़े के लिए, क्योंकि 2-3 महीने की सर्दी होती है यार, क्या इतना वेस्ट करना। तो मैं ज़्यादा महंगे कोट वगैरह लेती नहीं हूँ, तो इधर से थोड़े लो बजट में सेल वगैरह के कपड़े मिल जाते हैं। तो मैंने यहीं से ही देखना शुरू किया कि भाई देखो कैसा सही लगता है, और ठीक ठाक मिल जाते हैं सही बजट में, और ठीक ठाक मिल जाते हैं, पूरी सर्दियाँ मेरी कट जाती है। तो चलो देखते हैं मेरे साथ कि मैं क्या पसंद करती हूँ, एंड आने वाली वीडियोस में आप उसको मेरे साथ देखोगे भी। तो गाइस, सबसे पहले मैं यही ट्राई करके देखती हूँ, एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैं जो भी ट्राई कर रही थी वो मुझे बहुत टाइट सी आ रही थी, मतलब जो मेरी आस्तीन वगैरह है ना, ये बहुत टाइट आ रही थी। मैं तो जो भी ट्राई कर रही थी वो उसमें यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो फर्स्ट मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, ठीक ठाक लग रहा होता है, लेकिन मैं ज़्यादा लाइट कलर पहनती नहीं हूँ, डार्क कलर ज़्यादा पसंद है मुझे तो, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था ये देखने में। पहली बात, जो भी आप डाले वही अच्छा लग रहा है। वो रेड वो मैं लाई थी, वह कमीज सी, वह भी तो उसमें है, चेक में ही। ये चीज बहुत डिफरेंट है। एक आपने किस तरह ये भी नया, तो से नहीं आ रहा मुझे सेलिब, असल में गहने में तुम्हारी है ना, ना 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 मेरी यहां से है ही, हैवी है इसकी इधर से। और बाद में देख बाबा, और भी दुकान है ये डालो। तो सेकंड में जाती हूँ कपड़े की शॉप पे, वहाँ पे एक से एक कपड़े मिल जाते हैं मुझे, मतलब मेरी पसंद से तो ठीक ठाक मिल ही जाते हैं मुझे, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा शॉप वगैरह नहीं है लक्सर में, तो जो गिनी चुनी शॉप है तो मैं उधर से कुछ ना कुछ खरीद के उनका जुगाड़पंती करवा के कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो चलो देखते हैं मैं क्या पसंद करती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है आज, एंड मूड भी मेरा थोड़ा ऑफ था। 140 तो ये है। एंड उसके बाद मैं खरीदती हूँ बर्फी। अंकल ये वाली दे दो। तो मम्मी नमकीन वगैरह ले रही है, बिस्किट वगैरह मेहमानों के लिए, जबकि वो बचने वाले हैं नहीं, हम सारे खा लेते हैं। तो इन दी लास्ट मैं आती हूँ बैंगल्स की शॉप पे। यहाँ पे आपको एक से एक ज्वेलरी मिल जाएगी, एंड आप कैसी भी खरीद सकते हो। ये वीडियो तो बना सकते हैं ना, बस व्लॉग ही बना, बस बना रही हूँ। ठीक है,
चाहिए गर्लिश में इयररिंग्स। गर्लिश में तो फिलहाल वही मिलेंगे आपको जो पहले भी मिले, वही दिखा दो, वही दिखाओ। मम्मी फटाफट भागी भागी जा रही है, मम्मी को सब्जियां खरीदनी है एंड मम्मी सब्जी खरीदती है और मम्मी पालक भी खरीदती है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पालक की ले रही है मम्मी, पालक की ले रही है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं अपने घर एंड मेरे साथ घर जाते जाते होता क्या है आप खुद ही देख लो। तो मेरी स्कूटी का पेट्रोल ही खत्म हो जाता है एक बार फिर। हमने पता ही नहीं था, पता बस डाल दिया तेल को भी, हम रस्ते में ही रुक जाए भाई, कर दो तुम काम ऐसा। बोतल वगैरह में दे देते हो, बोतल में रखना पड़ेगा दो बार। देखो तू ऊपर की बाकी में एवरीवन। सो मैं घर आ गई हूँ, अभी मैं घर आई हूँ तो ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं है एंड आज मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ था। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।